नमस्ते। गर्भ संस्कार और पॉजिटिव प्रेगनेंसी के इस वेबिनार में मैं हार्दिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वेबिनार में हम सीखेंगे कि गर्भ संस्कार क्या है और प्रेग्नेंट मदर्स के जीवन में गर्भ संस्कार क्या चेंज ला सकता है, कैसे स्ट्रेस फ्री एंड पॉजिटिव प्रेगनेंसी एंजॉय की जा सकती है। यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं कि गर्भ संस्कार का एंशियंट कॉन्सेप्ट क्या था, उसका मॉडर्न साइंटिफिक रिलेवेंस क्या था, उसके बेनिफिट्स क्या है और परफेक्ट एंड प्रूवन प्रोसेस टू प्रैक्टिस गर्भ संस्कार, कि गर्भ संस्कार को डेली अपनी लाइफ में प्रेग्नेंट मदर्स कैसे प्रैक्टिस कर सकती है। यह वेबिनार प्रेगनेंसी प्लानर्स और प्रेग्नेंट मदर्स के लिए है। प्रेगनेंसी का मतलब है मूड स्विंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, वॉमिटिंग होना। क्या ये पॉजिटिव और जॉयफुल भी हो सकता है? मुझे तो पता था कि गर्भ संस्कार कोई पुराने जमाने की बात है, या तो कोई तंत्र मंत्र या पूजा विधि होगा। क्या इसका साइंटिफिक रिलीवेंस भी है? इंटरेस्टिंग, सुनना पड़ेगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके सराउंडिंग में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, आप उन सभी डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए, क्योंकि यह वेबिनार आपके जीवन में प्राइसलेस वैल्यू ऐड करने जाने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि हम कौन है, हु वी आर। टीम मजेस्टिक गर्भ संस्कार, हम लोग 2008 से गर्भ संस्कार का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और प्रेग्नेंट मदर्स को गर्भ संस्कार का ज्ञान परोस रहे हैं। हमारा मिशन है कि इस दुनिया को अगर एम्पावर करना हो, इस देश को विश्व गुरु बनाना हो, तो गर्भ संस्कार के थ्रू ही हो सकता है। सो आवर मिशन इज टू एम्पावर द सोसाइटी थ्रू द नोबल वर्क ऑफ गर्भ संस्कार। वी आर वर्ल्ड्स हाईएस्ट फॉलोड ऑर्गेनाइजेशन। गर्भ संस्कार के डोमेन में सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलो होने वाली संस्था है मजेस्टिक गर्भ संस्कार। आज तक हमने लाखों माताओं को उनके इच्छित गुणों वाले संतान की प्राप्ति में मदद की है और सबसे ज़्यादा हमें प्राउड किस बात पे है, आज तक हमने गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग पे 3 अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप की है कि जो 45 से ज़्यादा कंट्रीज में यूज़ हो रही है। गर्भ संस्कार के 150 प्लस ट्रेनर्स हमने तैयार किए और पूरे इंडिया में 25 प्लस फ्रेंचाइजीज काम कर रही है। तो गर्भ संस्कार के ये कॉन्सेप्ट के बारे में हमें क्यों नहीं पता? क्या हमारे पेरेंट्स को ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता था? क्या गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट के बारे में कोई नहीं जानता था? उस टाइम पे अच्छे बच्चे जन्म नहीं लेते थे? नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप सोच रहे होंगे कि ये नया कॉन्सेप्ट है क्या, काम कैसे करता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द कॉन्टेंट। सो गर्भ संस्कार एक्चुअल में है क्या? सो लेट मी टेल यू, गर्भ संस्कार कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। गर्भ संस्कार की बातें, गर्भ संस्कार का ज्ञान जो है वो हमारे स्क्रिप्चर्स जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता, गर्भोपनिषद और आयुर्वेदा में भी दिया गया है। गर्भ संस्कार का एक्चुअल मतलब है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को सुशिक्षित किया जाए, उसको संस्कारित किया जाए और माता द्वारा जो भी एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, जो सराउंडिंग्स, जो थॉट्स, जो इमोशंस होते हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे आता है। हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने इस नॉलेज को हमारे रिचुअल्स में डाल दिया है सो दैट एवरीवन प्रैक्टिस गर्भ संस्कार। यस, आप भी गर्भ संस्कार प्रैक्टिस करते हो। लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल। जैसे ही आपने गुड न्यूज़ दिए घर में कि आप माँ बनने वाले हो, तो इमीडिएटली आपको अलग अलग एडवाइजेज मिलना शुरू हो गया होगा कि जैसे कि आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, अच्छी आदतें अपनानी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, रूम में बाल गोपाल का फोटो रखना है। ये सब क्या है? ये सब है गर्भ संस्कार। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम लोग इसका रीजन नहीं समझते, इसका लॉजिक नहीं समझते और ब्लाइंडली शायद से फॉलो करते हैं। तो अगर इसका रीजन समझा जाए, इसका लॉजिक समझा जाए और उसके बाद में गर्भ संस्कार को फॉलो किया जाए, सो डेफिनेटली आप हैप्पी और हेल्दी संतान को जन्म दे सकते हो। यस, मुझे मेरी मम्मी और सासू माँ दोनों ने ही बहुत सारी एडवाइजेस दी थी, पर मुझे पता नहीं था कि इसको गर्भ संस्कार बोलते हैं।
एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने एक भी एडवाइस फॉलो नहीं की थी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं इसमें नहीं मानती हूँ। गर्भ संस्कार एक सिद्धांत है, आप मानो या ना मानो, आप जानो या ना जानो, वो तो अपना काम करता ही करता है। सिद्धांत अपना काम करता ही करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, वो भी एक सिद्धांत है। अब आप ऐसा बोलते हो कि मैं गुरुत्वाकर्षण को मानता नहीं हूं, और आप छठी मंजिल पे जाके जंप लगाओगे तो कहां जाओगे, पहले नीचे बाद में ऊपर, एज सिंपल एज दैट। सिद्धांत तो अपना काम करेगा ही करेगा, डजंट मैटर कि आप मानते हो या नहीं मानते। वैसे ही गर्भ संस्कार भी एक सिद्धांत है, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आपने अगर उसको जान लिया, मान लिया और अच्छे से प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक मैनर में उसको अगर फॉलो किया तो डेफिनेटली यू कैन हैव बेबी विद डिजायर्ड क्वालिटीज। गुड पॉइंट, पर मैं तो 21वीं सदी की महिला हूँ और मैं तो साइंस में बिलीव करूंगी ना, और क्या सच में माता के विचारों की असर, आसपास के वातावरण की असर बच्चे पे होती है? बच्चा सही में वूम में सुन पाता है, समझ पाता है? साइंस क्या कहता है इसके बारे में, आपके पास कोई प्रूफ है? अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें ना, तो गर्भ संस्कार के बारे में उसका रिसर्च बहुत ही कम हुआ है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी का रिसर्च अगर हम कंसीडर करें मॉडर्न साइंस का, सो देर आर फ्यू थिंग्स कि जो मॉडर्न साइंस ने प्रूव की है, और ये कौन सी बातें हैं, लेट अस गेट स्ट्रेट इन टू द पॉइंट्स। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 100 बिलियन न्यूरॉन्स डेवलप हो चुके होते हैं, दैट इज अराउंड 80% ब्रेन डेवलपमेंट। यस, 80% दिमाग का हिस्सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका डेवलप हो चुका होता है। जब माता प्रेग्नेंट होती है ना, उसके 16वें दिन से, यस 16th डे, उस टाइम पे तो प्रेग्नेंट लेडी को मालूम भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, उस दिन से लेके डिलीवरी तक 2.5 लाख पर मिनट के रेट से न्यूरॉन का डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज सीखने की शुरुआत मां के गर्भ से हो जाती है, और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो इजीली अपनी मातृभाषा में और अदर लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। साइंस ने यह भी प्रूव किया है कि बेबी जो होता है वो मां के गर्भ में शब्द सुनता है, सीखता है और समझता भी है। इवन एक साइंटिफिक रिसर्च ये भी हुआ था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी में पॉजिटिव रहती है, खुश रहती है, तो उससे ब्रेन डेवलपमेंट रेट इंक्रीज होता है। अगर वो नेगेटिव रहती है, स्ट्रेस में रहती है, एंजाइटी में रहती है, तो वो एडवर्स इम्पैक्ट ब्रेन डेवलपमेंट पे करता है। और एक बात साइंस ने और प्रूव की है कि अगर प्रेगनेंसी में ओम चैंटिंग किया जाए तो बच्चा शांत स्वभाव का होता है, एंड डेफिनेटली ओम का डिस्कवरी साइंस ने तो किया ही नहीं था, वो तो हमारे स्क्रिप्चर्स की देन है। आपने सच में मेरी आंखें खोल दी, इसका मतलब है मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट साइंस दोनों एक ही बात बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर को मैक्सिमम एफर्ट करने चाहिए। आपको सुनने से पहले तो प्रेगनेंसी और गर्भ संस्कार दोनों के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग टोटली डिफरेंट थी। गर्भ संस्कार के बारे में बहुत अलग अलग मान्यताएं, मिसकंसेप्शंस हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि गर्भ संस्कार क्या नहीं है। गर्भ संस्कार एक दिन का यज्ञ, विधि या तंत्र मंत्र ऐसा कुछ नहीं है। गर्भ संस्कार की किताब पढ़ लेना या वीडियो देख लेना कि जो गर्भ संस्कार के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज नॉट द गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार कोई दवाई नहीं है, गर्भ संस्कार सिर्फ योगा और डाइट नहीं है। और स्पेसिफिक जेंडर वाले बच्चे को, यानी कि लड़के को या लड़की को जन्म देने की प्रोसेस, ये भी गर्भ संस्कार नहीं है। तो ये गर्भ संस्कार क्या है, अगर किसी को सिंपल लैंग्वेज में जानना हो तो? सो अब क्वेश्चन ये होता है कि गर्भ संस्कार है क्या। सो गर्भ संस्कार इज अ पॉजिटिव, जॉयफुल, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर। यस, प्रेग्नेंट लेडीज की हकारात्मक, आनंदमय और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, वो है गर्भ संस्कार। तो आपके हिसाब से ये गर्भ संस्कार कब करवाना चाहिए और कितनी बार करवाना चाहिए?
सो एक्चुअल प्रोसेस गर्भ संस्कार की प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक फॉलो की जाती है, वो भी रोजाना, यस ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में हर दिन बड़ा हो रहा है तो हर दिन उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। गर्भ संस्कार इज अ मेंटल एंड इमोशनल डाइट फॉर योर अनबॉर्न चाइल्ड। जैसे हम हमारे शरीर के विकास के लिए खाना रोज खाते हैं, वैसे ही गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावात्मक विकास के लिए गर्भ संस्कार का पालन हर रोज करना चाहिए। गर्भ संस्कार अजन्मे बच्चे का खुराक है। अब मुझे गर्भ संस्कार के एक्चुअल फायदे जानने की बहुत इच्छा है। अब समझते हैं कि गर्भ संस्कार के बेनिफिट्स क्या है। अगर सही तरीके से गर्भ संस्कार का पालन किया जाए तो हैप्पी, हेल्दी और जीनियस बच्चा होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। गर्भ संस्कार का पालन अच्छे से करने से बच्चे का IQ दैट मीन्स बौद्धिक विकास, EQ दैट मीन्स भावात्मक विकास, PQ दैट मीन्स शारीरिक विकास एंड SQ दैट मीन्स आध्यात्मिक विकास ज़्यादा होता है। इट मीन्स बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। अगर माता पिता चाहे तो इच्छित गुणों वाले संतान को जन्म दे सकते हैं गर्भ संस्कार का पालन करके। गर्भ संस्कार का पालन अगर सही से किया जाए तो माता पिता और बच्चे के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग इंक्रीज होता है, वो बढ़ जाता है। जन्म से पहले ही बच्चा माता पिता से भावात्मक तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा और ये भावात्मक जुड़ान जो है वो जन्म के बाद भी रहता है। थ्रू अफर्मेशंस यानी कि हकारात्मक इनपुट अगर दिया जाए, पॉजिटिव इनपुट बच्चे को दिया जाए, तो गर्भ में पल रहे बच्चे के इनहेरिटेड डिसीजेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। सुनकर अच्छा लगा, पर क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि जिनको गर्भ संस्कार का पालन करके फायदा मिला हो? गर्भ संस्कार का नॉलेज लेके या गर्भ संस्कार का जाने अनजाने में पालन करके जिनको फायदा हुआ है ना, वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भक्त प्रहलाद, वीर अभिमन्यु, रानी मदालसा, छत्रपति शिवाजी महाराज, उस्ताद जाकिर हुसैन, शिवमणि, सोनू निगम और ऐसे हजारों बच्चे कि जिनकी माता पिता ने इवन जाने अनजाने में गर्भ संस्कार का पालन किया था और उनको ये बेनिफिट मिला। चलो देखते हैं कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल्स कि जिन माता पिता ने गर्भ संस्कार का पालन किया था और कैसे रिजल्ट्स मिले। यह माता ने गर्भ संस्कार का डेली पालन किया था और उनका फीडबैक उनके ही शब्दों में, इजी, पेनलेस, नॉर्मल डिलीवरी। डिलीवरी नॉर्मल हो दैट इज फाइन, बट पेनलेस कैसे हो सकती है? डिलीवरी तो सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है ना? फिर भी उनका एक्सपीरियंस गर्भ संस्कार का डेली पालन करने से ऐसा रहा कि उनको डिलीवरी का पेन ही महसूस नहीं हुआ और उन्होंने ये फीडबैक दिया कि उनकी डिलीवरी पेनलेस थी। ये माता पिता ने गर्भ संस्कार का बहुत अच्छे से पालन किया था, उनको ट्रिपलेट्स थे और आप देखो तीनों के तीनों बच्चे एकदम हेल्दी। और उनका फीडबैक उनके ही शब्दों में अगर देखें तो उन्होंने बताया कि एक भी बच्चे को NICU में नहीं रखना पड़ा। नॉर्मली जब ट्रिपलेट्स होते हैं ना तो बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं होता है तो बच्चों को NICU में रखना पड़ता है। लेकिन यह वाले केस में डॉक्टर्स भी अमेज थे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 महीने का बच्चा ओम चैंटिंग करता है। यस, यू हर्ड इट राइट, 3 महीने का बच्चा क्लियरली ओम चैंटिंग करता है। पहला शब्द जो बच्चे ने सीखा वो था ओम। सुनना चाहोगे? चलो सुनो। है ना अमेजिंग? गर्भ संस्कार का अच्छी तरीके से पालन किया जाए तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। वाओ, दिस इज रियली अमेजिंग। मुझे इच्छित गुणों वाले संतान की प्राप्ति करनी हो तो क्या करना चाहिए और गर्भ संस्कार प्रैक्टिस करने के लिए भी क्या करना होगा? सब क्वेश्चन ये आता है कि गर्भ संस्कार का सही तरीके से डेली बेसिस पे पालन कैसे किया जाए, कौन सी एक्टिविटी करी जाए कि जिससे गर्भ संस्कार का पालन हो सके। तो चलो समझते हैं कि गर्भ संस्कार का पालन करने के लिए प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। पहली एक्टिविटी है गर्भ संवाद
और ऑटो सजेशंस या तो हकारात्मक इनपुट देना। सो बेसिकली गर्भ संवाद यानी माता पिता बच्चे के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उसको इनपुट देंगे। यह करने से माता पिता का बच्चे के साथ जन्म से पहले ही इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, बच्चे का भावात्मक विकास होता है और बच्चे में जो जो क्वालिटीज माता पिता देना चाहे वो दे सकते हैं। और एक एक्टिविटी है जिसको माता पिता को हर रोज करना चाहिए, वो है पजल एंड क्विज। पजल सॉल्व करने से बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है। बच्चे का राइट ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए पेंटिंग, म्यूजिक, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट या डेकोरेशन जैसी एक्टिविटीज करनी चाहिए। इसके अलावा रेगुलरली डाइट, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये करने से बच्चे का फिजिकल कोशंट यानी कि शारीरिक विकास अच्छा होता है। बेसिकली डाइट और योगा करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले। विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर वन शुड नॉट प्रैक्टिस डाइट एंड योगा। सो ये ध्यान रखें कि डाइट और योगा अपने डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को डेली बेसिस पे स्टोरी और बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। बायोग्राफी में पूरी बायोग्राफी अगर ना पढ़ी जाए तो महान लोगों के जीवन में से अच्छे मोटिवेशनल इंसिडेंसेस छोटे छोटे हो वो पढ़ने चाहिए या तो देखने चाहिए। ये करने से आप बच्चे में अच्छी क्वालिटीज और वैल्यूज आप डाल सकते हो। इसके अलावा स्पिरिचुअल क्वेश्चन के डेवलपमेंट के लिए यानी कि आध्यात्मिक विकास के लिए बच्चे को जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाने के लिए डेली बेसिस पे प्रेयर, संस्कृत के श्लोका, साखी कड़ी और स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए। सो मेन पॉइंट हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये सब एक्टिविटीज जो है वो हमें डेली बेसिस पे करनी है, क्योंकि बच्चे का विकास एक ही दिन में नहीं हो जाता है। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज़ अ डेली प्रोसेस। सो हर रोज हमें ये सब एक्टिविटीज़ करनी है। बट मेन बात यहाँ पे जो ध्यान में रखनी है एक्टिविटी करते समय, वो यह है कि बच्चे का जिस तरीके से विकास हो रहा है यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट जिस स्टेज पे है ना, उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाँचवा महीना चल रहा है तो डाइट पाँचवें महीने के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो एज पर प्रेगनेंसी डे आपको एक्टिविटी करनी है। सो प्लीज मेक श्योर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि आपको बच्चे में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, उस क्वालिटीज के हिसाब से आपको एक्टिविटीज करनी है। अगर आपको बच्चे में देशभक्ति ज्यादा चाहिए तो आपको देशभक्ति वाली कहानियां और बायोग्राफी ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। सो ये सब एक्टिविटी आपको प्रेगनेंसी के दिन के हिसाब से और आपको जो क्वालिटीज चाहिए बच्चे में उसके हिसाब से आपको करनी है। तो यह बात हमें ध्यान में रखनी है। इतनी सारी एक्टिविटी और वो भी डेली, वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इंटरनेट पर से डेटा सर्च कर सकते हैं पर उसकी ऑथेंटिसिटी का इश्यू आएगा ना। अगर फिजिकल क्लास ज्वाइन करें तो कैसा रहेगा, वो भी तो डेली नहीं होते और बड़े महंगे होते हैं। हम लोगों ने दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड कोर्स बनाया है कि जो डेली बेसिस पे गर्भ संस्कार का पालन करवाता है। यस, डेली पर्सनलाइज्ड पॉजिटिव प्रेगनेंसी कोर्स बेस्ड ऑन गर्भ संस्कार। यहाँ पे आपको आपके प्रेगनेंसी के दिन के मुताबिक और आपको जो बच्चे में क्वालिटीज चाहिए उसके मुताबिक डेली 12 एक्टिविटीज मिलती है। यह एक्टिविटी 70 से ज़्यादा डोमेन एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाई है कि जिसमें योगा गुरुस थे, आयुर्वेदा के डॉक्टर्स थे, गायनेक डॉक्टर्स थे, डाइटिशियंस थे, चाइल्ड और वुमन साइकोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर्स थे एंड ऑफकोर्स गर्भ संस्कार के एक्सपर्ट्स भी थे। इन सब ने मिलकर कोर्स तैयार किया है जिसको हम बोलते हैं गर्भ संस्कार गुरु ऐप का डेली पर्सनलाइज पॉजिटिव प्रेगनेंसी कोर्स। यह कोर्स लाखों माताओं ने यूज़ किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अद्भुत है। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। रोजाना 12 एक्टिविटी और वो भी पर्सनलाइज मैनर में, बहुत महंगा होगा ये तो। अगर आप भी स्ट्रेस फ्री, पॉजिटिव और जॉयफुल प्रेगनेंसी का आनंद लेना चाहते हो, हैप्पी, हेल्दी और डिजायर्ड क्वालिटी की संतान को जन्म देना चाहते हो, तो आपको जरूर से गर्भ संस्कार गुरु ऐप का कोर्स डाउनलोड करना चाहिए।
यह कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर या तो आईट्यून में जाके गर्भ संस्कार गुरु ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, एज एन यूजर साइन अप करें। साइन अप करने के बाद ऐप के अंदर गर्भ संस्कार कोर्स ऐसा लिखा हुआ बैनर मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोर्स सब्सक्रिप्शन चार्ज इस साल के लिए 80% डिस्काउंटेड रेट में 1400 प्लस GST रखा गया है, ताकि भारत की हर एक माता गर्भ संस्कार का अच्छे तरीके से पालन कर सके। आपको पेमेंट करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऐप में ही पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी सिक्योर वे में बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम और UPI का इस्तेमाल करके कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा, आपका कोर्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यह कोर्स की वैलिडिटी आपके करंट प्रेगनेंसी के दिन से लेके 280 दिनों तक, सो आपका अभी जो भी दिन चल रहा है उस दिन से लेके 280 डेज तक यह कोर्स वैलिड रहेगा। 280 डेज इट मींस एज पर आयुर्वेदा प्रेगनेंसी 280 दिन की होती है, यानी कि जब तक बच्चा डिलीवर ना हो जाए तब तक यह कोर्स वैलिड रहेगा। हर रोज रात को 12 बजे एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक्टिविटीज चेंज हो जाती है, सो हर रोज रात को 12 बजे 12 की 12 एक्टिविटी की कंटेंट आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और नई एक्टिविटी मिलेगी। आपको यह 12 एक्टिविटी एक साथ नहीं करनी है, आपको 24 घंटे का टाइम फ्रेम मिलता है, सो विद इन 24 आवर्स एज पर योर कन्वीनियंस आपको यह 12 एक्टिविटीज करनी है। और इसके साथ आपको 3 दिन का बैकअप भी मिलता है, यानी कि किसी वजह से बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आप प्रीवियस डेज की एक्टिविटी ना कर पाए तो पीछे के 3 दिन का डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। ओ, सिर्फ 1400 रुपये, ये तो एक बार की सोनोग्राफी का खर्च होता है उससे भी कम में हो गया। गर्भ संस्कार के बारे में आपको ज्यादा समझना हो और कुछ जानकारी चाहिए तो आप निसंकोच हमारी वेबसाइट के थ्रू www.garbhsanskar.co उसके थ्रू आप हमारा संपर्क कर सकते हो, या तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। विल प्रे फॉर योर हैप्पी, हेल्दी एंड जॉयफुल प्रेगनेंसी। हैप्पी गर्भ संस्कार।